हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग के टॉप 5 क्वेश्चन जो कि मिसिंग नंबर के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर एकदम मैं इजी ट्रिक बताने वाली हूँ। इस ट्रिक से आप इजीली इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करते हो आसानी तरीके से। तो पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मिसिंग नंबर इसे फाइंड करना है। तो आप कैसे फाइंड करोगे, यहाँ पर दो तरीका होता है। या तो सबसे पहले यहाँ का मिसिंग नंबर है ना, तो या तो आप पता करते हो कि ये 3 5 कैसे आया, मतलब 1 और 2 से 3 कैसे मिला, 11 7 से 5 कैसे मिला है। आप इस डायरेक्शन में कैलकुलेशन करने लगते हो। अगर इस डायरेक्शन में कैलकुलेशन नहीं मिलता है तो आप क्या करते हो, इस डायरेक्शन में आंसर को फाइंड करते हो। मतलब कि आप फिर पता करते हो कि 120 45 कैसे मिला है, मतलब 111 से 120 कैसे मिला है, 27 से 45 कैसे मिला है। ओके, मतलब एक तरीके से हमें आंसर मिल ही जाता है। तो आपको यहाँ पर ना दोनों तरीके से कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली यहाँ पर पता कर सकते हो कि आपको किस डायरेक्शन में आंसर मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या देखना है, ये 1 2 है, तो 1 2 से ये 3 कैसा है, बड़ा नंबर है। देन 11 7 से ये 5 कैसा है, छोटा नंबर है। मतलब इस तरीके से हम देखें तो यहाँ पर इन दोनों से बड़ा नंबर दिख रहा है, लेकिन इन दोनों से ये छोटा नंबर दिख रहा है। ठीक है, बड़े और छोटे में यहाँ पर मतलब डिफरेंस आ रहा है। लेकिन अगर हम इस डायरेक्शन में बात करें तो 1 और 11 से बिगेस्ट नंबर है 120, 2 7 से बिगेस्ट नंबर है 45। मतलब कि यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर बड़ा नंबर है और यहाँ पर भी बड़ा नंबर है, लेकिन इस तरीके से देखें तो यहाँ पर बड़ा नंबर है लेकिन यहाँ पर छोटा नंबर है। तो हम क्या करेंगे, बिगेस्ट नंबर की तरफ देखेंगे। ठीक है, मतलब इस तरीके से हमें आंसर मिलेगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर बिगेस्ट नंबर है। तो आपको बिगेस्ट नंबर देखना है, इस तरीके से आंसर आपको नहीं मिलेगा। मतलब 2 और 1 से 3 तो मिल जाएगा, प्लस करेंगे, लेकिन 11 और 7 को प्लस करेंगे तो 5 नहीं मिलेगा। मतलब ये डायरेक्शन में आपको आंसर नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि यहाँ पर बिगेस्ट नंबर किस डायरेक्शन में दिख रहे हैं हमें। ठीक है, तो ये दोनों से बड़ा नंबर है यहाँ पर और इन दोनों से भी बड़ा नंबर है, मतलब इस डायरेक्शन में हम आंसर को निकालेंगे, इसी तरीके से हमें आंसर मिलेगा। तो 1 और 11 से आंसर कैसे मिलेगा, मतलब 1 और 11 से 120 कैसे आएगा, इसे पता करना है। अगर ये पता चल जाता है तो ये भी आ जाएगा और मिसिंग नंबर भी मिल जाएगा। तो अगर हम इसे प्लस करें माइनस करें तो 120 तो आने वाला नहीं है, तो स्क्वायर करके देख लेते हैं। तो 11 का स्क्वायर क्या होता है, 11 का स्क्वायर करो फिर 1 का स्क्वायर करो, कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 121 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस करो 120 आ गया। अब ऐसे यहाँ पर करना है 7 का स्क्वायर फिर माइनस 2 का स्क्वायर, तो 7 7 ज़ा 49, 2 2 ज़ा 4, माइनस करो यहाँ पर आ जाएगा 45। ठीक है, तो यहाँ पर 45 है। अब ये मिसिंग नंबर भी इजीली मिल जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, सो 5 5 ज़ा 25, माइनस 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पर आ गया 16। तो मिसिंग नंबर यहाँ पर क्या है, 16। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। देन सी द सेकेंड क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ का नंबर मिसिंग है, सेम जो पहला क्वेश्चन था ना वैसे आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है कि बिगेस्ट नंबर कहाँ पर है। तो 4 और 8 से बड़ा नंबर है 20, 9 3 से बड़ा नंबर है 15। मतलब हमें आंसर कैसे मिलेगा, इस तरीके से। ठीक है, मतलब 4 8 से हमें पता करना है कि 20 कैसे मिला है। ऑलराइट, अगर आप यहाँ पर देखते हो तो ये कैसा है, स्मॉल नंबर है। मतलब कि 4 है फिर 9 है फिर 6 है, मतलब एक स्मॉल नंबर है फिर एक बिग नंबर है फिर इससे स्मॉल नंबर है। लेकिन अगर हम इस तरीके से देखते हैं तो इन दोनों से बड़ा नंबर है 20, मतलब यहाँ पर बिगेस्ट नंबर है। तो इस तरीके से ही आंसर निकलेगा। तो सबसे पहले पता करेंगे 8 और 4 से 20 मिला कैसे है। तो 8 और 4 को जब हम ऐड करेंगे तो 12 मिलेगा, लेकिन यहाँ पर 20 है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 से कितना होता है, 32 होता है, 20 से बड़ा नंबर है 32। तो हम क्या कर सकते हैं, 8 में अगर हम इनटू करें 2, मतलब 8 में 2 को मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, 16। और 16 में अगर हम 4 को ऐड करें तो आ गया 20। वैसे इसे चेक कर लेते हैं, 9 और 3 से 15 मिल रहा है कि नहीं इस तरीके से। तो 3 में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, 6 में 9 को ऐड करेंगे तो आएगा 15। मतलब कि यहाँ पर ये जो नंबर है मिसिंग नंबर इजीली हमें मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ये दो नंबर को हमने पता किया वैसे ही आपको मिसिंग नंबर निकाल लेना है। ठीक है, 6 और 6 से, तो इस 6 में इंटू 2 कर दो तो आ जाएगा 12, 12 प्लस 6 18,
तो यहाँ का मिसिंग नंबर क्या था, 18। करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी। देन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए यहाँ का नंबर मिसिंग है, तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि किस डायरेक्शन में कैलकुलेशन करना है हमें, किस डायरेक्शन में आंसर मिलेगा। तो देखिए 13 और 7 से बड़ा नंबर है 27, 54 45 से बड़ा नंबर है 144। मतलब कि हमें आंसर कैसे मिलेगा, इस तरीके से, इस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में हमें आंसर मिलने वाला है। तो यहाँ का नंबर मिसिंग है ना, तो ये दो नंबर को कैलकुलेट करके ये नंबर हमें मिलेगा। ये दो नंबर को कैलकुलेट करके चेक करेंगे कि ये कैसे मिला है, ये दो नंबर को कैलकुलेट करके 13 कैसे मिला है। अगर आप बात करोगे कि इस तरीके से कैलकुलेशन करें, तो इस तरीके से कैलकुलेशन करोगे तो आपको आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर स्मॉल नंबर है, फिर बिग नंबर है, फिर स्मॉल नंबर है। लेकिन इस तरीके से देखें तो ये दोनों ही 27 से छोटे नंबर हैं। ऑल राइट, इसलिए हम इस डायरेक्शन में आंसर को निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चेक करेंगे कि 27 और 7 से 13 कैसे आया। अगर ये पता चल जाता है तो ये दो नंबर से भी ये नंबर आ जाएगा, और ये दो नंबर से भी एक मिसिंग नंबर निकाल लेंगे। ठीक है, तो 7 और 27 को कैलकुलेट करना है कि 13 मिले हमें। तो क्या कर सकते हैं हम, तो माइनस करके देखते हैं, 27 माइनस 7 कितना आएगा। तो माइनस करेंगे तो यहाँ पर तो कितना मिलेगा, 20 मिलेगा, लेकिन यहाँ पर 30 है। तो अब हम और क्या कर सकते हैं, तो अगर इसमें हम इंटू 2 कर दें, डैट इज़ 27 माइनस 7 टू ज़ा 14। तो अब माइनस करके देखो, 27 माइनस 14 कितना होगा, 13। तो इस तरीके से आंसर निकल कर आया है। अब इसी तरीके से अगर 54 मिल रहा है तो ये आंसर भी निकाल लेंगे। तो 144 माइनस 45 इंटू 2, तो 144 माइनस 90, तो यहाँ पर आ जाएगा 54। मतलब कि ये तरीका काम कर गया। तो अब ये दो नंबर से ये नंबर भी मिल जाएगा। सो 68 माइनस 32 इंटू 2, 68 माइनस 64 डैट इज़ 4। तो यहाँ का नंबर मिला है हमें 4। करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए। देन सीधा फोर्थ क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए यहाँ का नंबर मिसिंग है, इसे फाइंड करना है। तो ये एकदम इजी सवाल है, आप इसे खुद ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बिगेस्ट नंबर है, मतलब 6 और 9 से बड़ा नंबर है यहाँ पर, और 8 12 से बड़ा नंबर है यहाँ पर। मतलब कि इस डायरेक्शन में हमें आंसर मिलने वाला है। तो 9 और 6 को जब हम ऐड करेंगे तो 15 मिलता है, 12 प्लस 8 होता है 20, देन 6 और 4 को ऐड कर दो कितना आ जाएगा, 10। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी। देन सी द लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर मिसिंग नंबर है, तो आंसर किस डायरेक्शन में फाइंड करेंगे, तो बिगेस्ट नंबर किस डायरेक्शन में, देखिए इन दोनों नंबर से बड़ा नंबर है यहाँ पर, और इन दोनों नंबर से बिगेस्ट नंबर है यहाँ पर। मतलब आंसर किस डायरेक्शन में मिलेगा हमें, इस डायरेक्शन में मिलेगा। मतलब यहाँ पर चेक करेंगे कि 917 से 69 कैसे मिला है। तो देखिए अगर हम इसमें इंटू 2 करते हैं, 9 इंटू 2 तो कितना आएगा, 18, फिर 17 इंटू 3 51। ऑल राइट, मतलब कि इन दोनों को प्लस कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा 69। अब ऐसे ही यहाँ पर कर लेते हैं, डैट इज़ 13 इंटू 2 प्लस 11 इंटू 3, तो 13 टू ज़ा कितना होता है, 26, एंड 11 थ्री ज़ा 33, 26 प्लस 33 कितना होता है, 59। अब यहाँ पर तो कुछ नहीं है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, तो यहाँ का हम ले लेते हैं x, x इंटू 2, मतलब x का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, प्लस 13 इंटू 3 इज इक्वल टू 49। तो यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो x की वैल्यू मिलेगी वही यहाँ का मिसिंग नंबर आएगा। सो 2x प्लस 13 थ्री ज़ा 39 इज इक्वल टू 49। तो 2x इज इक्वल टू 49, ये यहाँ पर चला जाएगा इस साइड, सो आ जाएगा माइनस 39। सो 2x इज इक्वल 49 माइनस 39 कितना होगा, 10। सो x इज इक्वल टू 10 बाई 2, सो 2 5 ज़ा 10, तो x की वैल्यू मिली है 5।
तो मिसिंग नंबर क्या निकल के आया है यहाँ पर, मिसिंग नंबर क्या था, 5। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए।